वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे स्टैंडर्ड 7th के पेपर स्टाइल की, यानी पेपर पैटर्न की। आपको मैंने 2 दिन पहले ही पेपर पैटर्न भेजी है, आप सब लोगों ने उसको देखा होगा, रीड किया होगा। मैं आप लोगों को आज पेपर पैटर्न पूरी समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर समझाऊँगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों का 7th स्टैंडर्ड का संस्कृत का पेपर 15 मार्क्स का, यानी 50 मार्क्स का होगा। उनमें से 25 मार्क्स MCQ और 25 मार्क्स आपको रिटर्न लिखने हैं। तो आप लोग सब एग्ज़ाम की तैयारी ठीक से कर रहे होंगे, आप लोग अच्छे से रीड करते होंगे। और एक बात फिर से याद करवा दूं कि जो भी वीडियो में होमवर्क दिया जाता है, जिस दिन दिया जाता है उसी दिन आप लोग मुझे उसकी फ़ोटो या PDF सेंड कर दीजिए। दूसरे दिन, तीसरे दिन तक आप लोगों का होमवर्क नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे आप जल्दी से होमवर्क करके दिखा दीजिए। आपको CW में ही होमवर्क दे रही हूँ तो आप लोगों की बुक कंप्लीट होगी, तो एग्ज़ाम के टाइम आप लोगों को रीडिंग करने में आसानी होगी। और आप लोगों का होमवर्क आ जाने से मैं आप लोगों की प्रेजेंट कर दूंगी। जिसका भी होमवर्क नहीं आता है उसकी एब्सेंट हो जाती है, तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिए। चलो, सबसे पहले पेपर पैटर्न में मैंने लिखवाया है कि अपठित गद्यांश, व्याकरण, प्रश्न और लेखन, ये चारों के चारों टॉपिक होंगे। उनमें से सबसे पहले हम बात करें अपठित गद्यांश की। तो अपठित गद्यांश में क्या होगा, आपको एक पैराग्राफ दिया गया होगा, संस्कृत में होगा, और उसके नीचे क्वेश्चन भी होंगे। तो वो क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को उसके पैराग्राफ में से ही ढूंढना है। हर एक आंसर आपको पैराग्राफ में से ही मिल जाएंगे, यानी कि आपको पैराग्राफ पूरी अच्छे से रीड कर लेना। अगर समझ में ना आए तो दूसरी बार, तीसरी बार, 2-3 बार आप लोग पैराग्राफ रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो पैराग्राफ में क्या लिखा है, ठीक है। और आंसर आप लोगों को उनमें से ही मिल जाएंगे, पैराग्राफ में से ही, जो क्वेश्चन आपको नीचे दिए गए उसके आंसर आपको पैराग्राफ में से मिल जाएंगे, इसीलिए आपको ध्यान से ढूंढना है। चलो, फिर सेकंड क्वेश्चन है धातु लिखत, तो वर्तमान, भविष्य और अतीत, तीनों में से कोई भी पूछ सकती हूँ और कोई भी धातु होगा, ठीक है। आप लोगों ने वीडियो में वर्तमान, भविष्य और अतीत तीनों सीख लिए हैं तो आप लोगों को ये आ जाएंगे, क्योंकि प्रत्यय वही लगेंगे। वर्तमान काल के होंगे तो ती, तह, अंति, सी, थह, थ, मी, वह, मह, और अगर भविष्य हो तो कौन से लगेंगे प्रत्यय, भविष्य में श, ती, श, तह, शंति, श, शी, श, थह, श, थ, श्यामी, श्यावह, श्यामह, ओके। और अतीत काल अगर पूछूं तो अतीत काल में क्या लगेगा, आगे अ और पीछे त, ताम, न, ह, तम, त, म, व, म, आपको ये प्रत्यय याद ही होंगे। तो आप लोगों को वहाँ पे कैसे लिखना है और वहाँ पे क्या दिया गया होगा वो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको। देखो, ऐसे लिखा होगा धातु रूपाणी लिखत, और नीचे दिया गएगा पठ वर्तमान काल। ये एग्जाम्पल है, ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में भी आप लोगों को वहाँ पे पठ लिखा हो। यहाँ पे लिख भी हो सकता है, वद भी हो सकता है, चल भी हो सकता है, मिल भी हो सकता है, कोई भी धातु हो सकता है। और यहाँ पे वर्तमान काल लिखा है, उसकी जगह भविष्य भी हो सकता है, अतीत भी हो सकता है। समझ में आ गया कि आपको एग्ज़ाम में पेपर में ऐसा लिखा होगा धातु रूपाणी लिखत, और नीचे कोई भी धातु होगा और कोई भी काल होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको सिखाया है, हाँ, वेरी गुड। पहले, सबसे पहले आप तीनों पुरुष लिख दोगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ऊपर क्या लिखोगे, वचन, एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। और फिर आप लोग जो भी धातु दिया हो और जो भी काल दिया गया उसका प्रत्यय लगा कर उस धातु का रूप बना दोगे, ठीक है। समझ में आ गया ये, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने लिखा है विकल्पेशु उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, यानी MCQ।
अब MCQ यानी कि विकल्प वाले क्वेश्चन होंगे। विकल्पेशु उचितम उत्तरम यानी विकल्पेशु यानी MCQ वाले क्वेश्चन होए वो उचितम यानी कि सही आंसर ढूंढ कर लिखो। उनमें मैंने ब्रैकेट में लिखा है कालह, समयह, पर्याय पदह, यानी कि ये तीनों टॉपिक में से कोई भी MCQ होंगे, ये तीनों टॉपिक के MCQ आएंगे। कैसे कैसे होंगे वो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोगों को, मैं कैसे कैसे पूछ सकती हूँ। जैसे कि काल है तो काल के MCQ कैसे होंगे, देखो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि MCQ व्याकरण विभाग यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं कि MCQ होंगे और व्याकरण के होंगे और काल के होंगे। तो काल यानी वर्तमान, भविष्य और अतीत काल या तो कोई भी धातु। तो कैसे MCQ आएंगे, तो जैसे कि अवदतः इत्यशः करूपः, यानी कि अवदत है वो कौन सा रूप है, किसका रूप है। तो नीचे ऑप्शन ऐसे होंगे, अतीत काल एक वचन का है, भविष्य काल बहुवचन का है, किसका है ये रूप अवदतः, चलो बताओ। वेरी गुड, ये अव आगे अ है और पीछे कौन सा प्रत्यय है, त है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अतीत काल एक वचनम है। ठीक है, तो आपको कौन सा टिक करना है, क, समझ में आ रहा है। फिर सेकंड MCQ कैसे हो सकते हैं, तो के वर्तमान काल चिन्हुतो यानी वर्तमान काल को चुनो यानी कि ढूंढो। तो नीचे ऑप्शन ऐसे होंगे, चरिष्यति, अचरतः या पठति, चलो ये तीनों में से कौन सा वर्तमान काल का रूप है ढूंढो। मिला, वेरी गुड, हमें वर्तमान काल देखना है इसीलिए चरिष्यति, तो पीछे श्यति है इसीलिए भविष्य काल, तो ये नहीं है। फिर ख है अचरत, तो आगे अ है और पीछे त है, तो ये भी नहीं है। ग है पठति, तो ये वर्तमान काल का रूप है, तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर आएगा, ग, गणपति का ग। फिर थर्ड है नयति इत्यस्य क धातु, यानी कि नयति जो रूप है इसका धातु कौन सा है, ये नयति तो रूप है पर इसका मूल धातु कौन सा है। तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं नय, सेकंड है नी और थर्ड है नयति, तो ये तीनों में से कौन सा सही होना चाहिए। देखो आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देखोगे तो पीछे जो धातु रूपाणी का विभाग दिया गया है ग्रामर का, आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 97 आप निकालोगे आपकी पाठ्य पुस्तक, तो आपको पता चलेगा कि 97 पर जो धातु रूपाणी का विभाग है उनमें आप लोग देख सकते हो कि रेड कलर से जो दिया गया है वो ऊपर, सबसे ऊपर दिया गया है वो सारे के सारे धातु है, जैसे कि चर, फिर सेकंड है क्रू, फिर है वर्ष, फिर है दृश और पश्य, फिर है स्था और तिष्ट, और फिर है पच यानी कि पकाना, और लास्ट है पा यानी पीब। तो ये सारे है वो धातु है। ठीक है, आपको यहाँ पे मैंने पूछा है कि नयति इत्यस्य क धातु यानी नयति का कौन सा धातु है, तो नय का नय नहीं है और नी, सेकंड जो ख है वो सही आंसर होगा कि नी। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल के रूप में 3 MCQ दिखाए है काल के, धातु के जो दिखाए है, ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैंने MCQ अभी दिखाया है जो अभी आप लोग देख रहे हो उनमें से आए, या तो ऐसे हो, ऐसे ही होंगे पर धातु अलग होंगे, उसका रूप अलग होगा। ठीक है, बाकी इसी प्रकार के MCQ आएंगे, या तो आपको रूप पूछा होगा, या तो काल पूछा होगा कि कौन सा काल है, या तो उसका धातु पूछा होगा, इसी टाइप के आपको MCQ आने वाले हैं। क्लियर, चलो आगे बढ़े हमारे पेपर पैटर्न में, कि संख्यावाचक शब्दः लिखत यानी संख्यावाचक शब्द यानी गिनती आप लोगों को पूछूंगी। कैसे पूछूंगी ये गिनती, तो जैसे कि आप लोगों को गिनती में ऐसे लिखा होगा कि 20 और नीचे ऑप्शन होगा त्रिंशत, विंशति ही या एक विंशति ही, तो सही आंसर क्या आना चाहिए, वेरी गुड, ख यानी विंशति ही, 20। फिर सेकंड होगा एक त्रिंशत यानी कि नीचे ऑप्शन होगा 30, 35 या 31, तो क्या होगा सही आंसर, ग, 31। इस प्रकार आप लोगों को संख्या जो है वो गिनती में भी हो सकती है यानी कि शब्द में भी हो सकती है और संख्या में भी हो सकती है।
संख्या होगी तो नीचे ऑप्शन शब्द में दिए गए होंगे, और ऊपर शब्द लिखा होगा तो आपको नीचे गिनती दी गई होगी। यानी कि आपको दोनों आने चाहिए, उनको लिखना भी आना चाहिए शब्द में और उसकी गिनती भी आनी चाहिए, ठीक है। फिर है आगे समय, तो समय के भी ऐसा पूछेंगे हम समय में, जैसे कि पूछ रही हूँ यहाँ पे 7 लिखा है और नीचे लिखा है पंचवादनम, सार्ध सप्तवादनम या सप्तवादनम। ये आप लोगों ने पेरियोडिक टेस्ट में भी आप लोगों ने ये समय का एमसीक्यू कर लिए है, इसीलिए आपको आता ही होगा। आप समझ ही गए होंगे कि समय के एमसीक्यू कैसे हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने 7 लिखा है, उसकी जगह मैं यहाँ पे सप्तवादनम भी लिख सकती हूँ और नीचे 7 भी लिख सकती हूँ। तो आप लोगों को ये दोनों आना चाहिए शब्द में और संख्या में। तो इस तरह से यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ग सप्तवादनम, बराबर, ठीक है। अगर 7:30 यहाँ पे होता तो सही आंसर क्या होता, ख, यानी कि सार्ध सप्तवादनम। तो चलो आगे हम हमारा पेपर पैटर्न देखें। इनमें लिखा है प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, यानी लेशन 4, 5, 6 और 8, ये चारों चैप्टर में से आपको क्वेश्चन आंसर होंगे, और ये क्वेश्चन आंसर आपको पूरे वाक्य में लिखना है, यानी एक शब्द में नहीं लिख देना है। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन पूछा है ऐसा कि अस्माकम ध्वजे कति वर्णाः सन्ति ही, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग पूरे वाक्य में लिखोगे अस्माकम ध्वजे त्रय वर्णाः सन्ति, पूरे वाक्य में आपको लिखना है वरना मार्क्स कट जाएगा। फिर आगे है एमसीक्यू 4, 5, 6, 8, यानी कि ये लेशन के एमसीक्यू होंगे। अभी जो हम बात की आगे जो क्वेश्चन 2 में और क्वेश्चन 3 में, वो किसके एमसीक्यू थे, ग्रामर के। अब जो ये एमसीक्यू है वो लेशन के होंगे, यानी कि यहाँ पे ऐसे कोई क्वेश्चन होगा कि अस्माकम ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, ऐसा क्वेश्चन होगा। नीचे ऑप्शन दिए गए होंगे कि पंच, त्रय या सप्त, ऐसा तीनों ऑप्शन होंगे। सही आंसर आपको लिखना है, क्या आएगा सही आंसर, त्रय, वेरी गुड। इसी तरह आपको लेसन में से एमसीक्यू आएंगे। इसके बाद है शब्दार्थ, शब्दार्थ है 5 और 6 में से। तो ये शब्दार्थ आपको 5 और 6 में से कैसे आएंगे मैं बताती हूँ आपको। ये शब्दार्थ है वो तीनों में याद रखने पड़ेंगे, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश। जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा गिविन अप, तो आपको नीचे ऑप्शन संस्कृत में भी हो सकता है और हिंदी में भी हो सकता है। जैसे कि नीचे आपको ऑप्शन में दिया गया हो परित्यज, अध्यापयत या प्रतारणाम, तो आप लोग सही आंसर क्या लिखोगे, परित्यज, यानी गिविन अप, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मैं शब्दार्थ में ऐसा भी पूछ सकती हूँ कि श्व मातुहु, तो नीचे आपको ऑप्शन हिंदी में और इंग्लिश दोनों में से किसी एक में होंगे। या तो ऐसा होगा अपनी माता से, या निर्धन, अकाल पीड़ित, तो इनमें से तीनों में से कई कौन सा सही आएगा, वेरी गुड, स्व मातु यानी अपनी माता से, समझ गए। तो शब्दार्थ आपको तीनों में याद रखने हैं। अगर संस्कृत हो तो उसका हिंदी नीचे ऑप्शन होगा या इंग्लिश ऑप्शन होगा, या इंग्लिश हो तो संस्कृत या हिंदी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आपको तीनों में याद रखने हैं। या तो ऐसे भी हो सकता है कि आने वाला कल, तो उनमें नीचे लिखा होगा अद्य, श्वः या यह, तो सही आंसर होगा स्वः। तो इस तरह आपको शब्दार्थ है वो तीनों में याद रखने हैं, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश। यानी संस्कृत का आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखने हैं, समझ में आया शब्दार्थ। इसके बाद क्वेश्चन 8 यानी लास्ट क्वेश्चन है अनुवादनम लिखत, और लेशन है 6 और 8। मैंने आप लोगों के इसके फ़ोटो, अनुवाद के फ़ोटो बहुत टाइम पहले भेज ही दिए थे, आप लोगों ने अपने बुक में लिख ही दिया होगा। जिसका भी बाकी है प्लीज़ आप लोग अपनी संस्कृत की CW में इसका अनुवाद लिख लीजिए, 6 और 8 में दोनों लेसन में से अनुवाद आएगा, और दोनों लेसन में से कोई भी पैराग्राफ, कोई भी श्लोक आ सकता है। यानी कि आपको पूरे लेशन का, यानी 6 चैप्टर है सदाचार, तो वो सदाचार के पूरे जो श्लोक है वो उसके अनुवाद आपको याद रखने हैं। और दूसरा है 8 चैप्टर यानी त्रिवर्ण ध्वज, तो उसका भी पूरा का पूरा अनुवाद आपको आना चाहिए, ठीक है। उनमें से कोई भी 4 या 5 लाइन आएगी
पूरे चैप्टर में से, बीच में से, स्टार्टिंग में से, लास्ट में से कोई भी 5 या 6 लाइन होगी जिसका आपको अनुवाद करना है हिंदी में, ठीक है। और इनमें 6 चैप्टर सदाचार में से कोई भी 1 या 2 श्लोक होंगे, सारे के सारे श्लोक नहीं पूछूंगी, उनमें से कोई भी 1 या 2 श्लोक के अनुवाद करना होगा हिंदी में। डायरेक्टली हिंदी ही लिखना है, संस्कृत का श्लोक आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 8 का चैप्टर में से जो भी कोई 5 लाइन की पैराग्राफ पूछूं, उनमें भी संस्कृत का पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में डायरेक्टली हिंदी का अनुवाद आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी पेपर पैटर्न की बात हुई। अब आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सारा का सारा पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, और इनमें आप लोग तैयारियाँ शुरू कर दीजिए। हमारा जो भी बाकी होगा इनमें वो हम करते जाएंगे। तो आप लोग हर रोज़ जो वीडियो आ रहे हैं संस्कृत के, उसको ध्यान से देखिए, उसका होमवर्क हर रोज़ का हर रोज़ रेगुलर कर लीजिए, और मुझे उसकी फ़ोटो PDF भेजते रहना। थैंक यू।